श्रुति ये श्रुति कौन है जो बार बार मोदक को इतना कॉल कर रही है? किसी श्रुति का फोन आया था, चार मिस्ड कॉल है उनकी। मुझे एक जरूरी कॉल करना है, मैं 10 मिनट में आया, ठीक है? अरे लेकिन ये मोदक सब ठीक तो है ना, और ये श्रुति कौन है? मैंने खुद को इस सवाल के लिए अभी तक तैयार नहीं किया, अब मैं क्या बताऊं सही को कि श्रुति कौन है? बोलिए ना, श्रुति कौन है और वो इतनी देर रात आपको फोन क्यों कर रही है? सही, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि एक कॉल बहुत जरूरी है और मुझे कॉल बैक करना है। आपका मिशन अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? अरे रुकिए, आपके लिए कॉल करना जरूरी है और आप थके हुए हैं, आप यहीं रुकिए, कॉल कर लीजिए। मैं वैसे भी किचन में जा रही थी आपका खाना गर्म कर। क्या करूं, विराट तो फोन ही नहीं उठा रहा है। अगर मैनेजर फिर से आईडी मांगने आ गया तो? हेलो विराट, क्या बात है? तुम्हारे इतने सारे मिस कॉल्स देखे मैंने, वो भी इस टाइम पर, क्या हुआ? विराट, मैनेजर आया था मेरी आईडी मांगने के लिए। उसने तुम्हारा नंबर डायल किया पर तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा है, तो अब वो बार बार मुझे मेरे होटल रूम में फोन कर रहा है। मुझे लगता है उसे शक हो गया, वो दोबारा आता होगा मेरी आईडी मांगने के लिए। लगता है मैनेजर ही है, अब क्या बोलूं मैं इसको? पहले तो तुम शांत हो जाओ, दरवाजा खोलो और मेरी मैनेजर से बात कराओ। ओके। मैम बहुत देर हो चुकी है, आपको कोई अपनी आईडी देनी होगी। मेरे हस्बैंड फोन पे, आप उनसे बात कर लीजिए। हेलो हेलो, देखिए मैं यहाँ फंस गया हूँ और आज रात वापस नहीं आ पाऊंगा, आप कल सुबह तक वेट कर लीजिए। अपनी वाइफ की आईडी मैं आपको कल सुबह दिखा दूंगा। आई एम सॉरी सर, लेकिन बिना किसी आईडी के हम किसी को भी अपने होटल में पूरी रात रहने नहीं दे सकते, आपको अभी के अभी इनकी आईडी सबमिट करनी होगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतनी छोटी सी बात का तमाशा क्यों बना रहे हैं। हमारा पूरा सामान आपके वहाँ है, मेरी वाइफ आपके होटल में, कल आ रहा हूँ ना मैं सुबह आपको आईडी देने के लिए, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ऐसे बार बार किसी प्रेग्नेंट लेडी को परेशान करना आपको अच्छा लगता है क्या? डोंट माइंड सर, लेकिन आपको अगर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की इतनी चिंता है तो आप उनको यहाँ अकेले छोड़कर क्यों चले गए? एक्सक्यूज मी, आप ऐसे पर्सनल कॉमेंट्स नहीं कर सकते, आप होते कौन है ऐसे मुझ पर सवाल उठाने वाले? अगर आज रात मैं इनकी आईडी नहीं लेकर आया तो क्या कर लोगे? अगर आप आईडी नहीं देंगे तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अरे मैं, और आपकी वाइफ को यहाँ से जाना होगा। धमकी दे रहे हो? सर मैं बस रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। आपको रूल्स फॉलो करने ना, आईडी चाहिए ना आपको, मैं आपको लाकर दे रहा हूँ अभी के अभी। ओके मैडम को फोन दो। ठीक है मैम, लीजिए। थैंक यू। चला गया, क्या कहा तुमने इससे? यही कि मैं तुम्हारी आईडी दे दूंगा। लेकिन तुम मेरी आईडी लाओगे कहाँ से? तुम उसकी फिक्र मत करो, तुमने तो कहा था मैं और मेरा बच्चा सेफ रहेंगे, तो ये बार बार स्टाफ वाले आके परेशान क्यों कर रहे हैं? क्या होगा अगर इन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया तो? क्या होगा मेरे बच्चे की सेफ्टी का, कहाँ जाऊंगी मैं? तुम चिंता मत करो श्रुति, मैं अभी आ रहा हूँ, चलो। जरूरी काम है, अभी के अभी जाना है। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो आपको रात को ही करना है?
कल सुबह तक इंतजार नहीं हो सकता है कुछ। आप श्रुति से मिलने जा रहे हैं क्या? कौन है श्रुति? मेरी जानने वाली है। जानने वाली है? ये कौन सी जानने वाली है जिसे मैं नहीं जानती? और मैंने तो पहले इसका नाम कभी नहीं सुना। और आपके पास उनका ऐसा कौन सा सामान है जो आधी रात को आप उनको? एक इम्पोर्टेंट चीज है उसकी जो मेरे पास रह गई, मुझे उसे वापस करना है। ओके? वो आपके साथ मिशन पे थी क्या? और आपका मिशन अभी तक खत्म नहीं हुआ? लेकिन मैंने तो आपके ऑफिस में से कॉल करके पूछा था ना, तो उन्होंने कहा था कि आपका मिशन खत्म हो गया। और मैंने इस श्रुति का नाम कभी पहले नहीं सुना। आपकी कॉलीग है क्या? बस सही, बस क्या हो रहा है, इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ क्या? मेरा इंटेरोगेशन चल रहा है? कब से देख रहा हूँ सवाल पूछे जा रही हो तुम मुझसे, सिर्फ इसीलिए कि हमारी शादी हुई? क्या तुम मेरी हर चीज में दखल दोगी? मतलब हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, और बेस्ट फ्रेंड्स तो सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? सही क्यों? थोड़ा तो समझा करो कि मैं किस मेंटल स्टेट में हूँ। बस अपने सवालों की दुकान खोलकर बैठ गई हो तुम। मैं अभी इतनी समझ नहीं कि तुम्हें मेरी ये बातें समझ आए, इसलिए प्लीज तुम थोड़ा जस्ट यू नो। अब वापस कब लौटेंगे? मुझे दरवाजा खोलना है, सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। विराट, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो, और वो भी अकेले? तुम्हारी मिर्ची कहाँ है? मुझे नहीं लगता कि तुम जवाब दोगे। खैर, मैं अपना सवाल ही वापस ले लेती हूँ। ये जवाब मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मिर्ची दे सकती है। कोई नहीं, उसे तो जरूर पता होगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों करना होता है? You know what? Don't answer that. It's okay. छोड़ दो। और सही को भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि इट्स कॉन्फिडेंशियल। विराट इस वक्त कहाँ गया? कुछ बताया उसने तुम्हें? मुझे लगता है कि विराट जब जाता है तो वो मुझे बता कर जाता है कि वो कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। मेरा वो मतलब नहीं था, तुम उससे बात कर रही थी तो मुझे लगा कि। अच्छा, तो तुमने सोच लिया कि विराट मुझे सब बता के गया होगा। तुम्हारे दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा है ना सम्राट? अरे नहीं बाबा, अरे मैंने तुम दोनों को कुछ देर बात करते हुए देखा तो मुझे लगा उसने तुम्हें बताया होगा। मैं तो नीचे तुम्हें देखने आया था कि कहीं तुम अभी तक मुझसे नाराज तो नहीं हो। लिखा ऊपर कमरे में तुमने जो मुझसे बातें कही, वो शब्द अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना आज हम दोनों बाहर जाएं ड्राइव के लिए, कहीं आइसक्रीम खा के आते हैं। देखो मैं तो रेडी भी हो गया, घर से कहीं दूर, कुछ बातें भी हो जाएंगी और हमारे बीच जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर भी हो जाएंगी। Really? हाँ, विराट के मिशन पे जाने की वजह से घर का माहौल ठीक नहीं था, लेकिन अब वो वापस आ गया है तो ऑटोमेटिकली घर का माहौल ठीक हो गया है। तो क्यों ना हम भी अपने बीच सब कुछ ठीक कर लें। सुनो सही, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? लग नहीं रही हूँ, हूँ गुस्से में। अच्छा, गुड़ू कहाँ है? मुझे क्या पता, आजकल चीजें छुपाने का नया शौक चढ़ा है आपके गुड़ू को। पता नहीं कब आएंगे। एक तो मैंने इनके लिए उपवास रखा है, अपनी तो फिक्र है ही नहीं, और मेरी खैर मेरी तो जाने दी। अच्छे से जानती हो
हमारे काम में कितना प्रेशर होता है। आइंदा से मेरे सीनियर्स को या मेरे कॉलीग्स को या मेरे ऑफिस में फोन मत करना प्लीज। फोन करूंगी तो और भाव खाएंगे, नहीं करूंगी। सई का फोन या मैसेज नहीं आया, शायद गुस्सा होगी मुझसे। नहीं, मैंने ही तो उसे कहा था मुझे काम के वक्त फोन या मैसेज ना किया करे। नाराज होगी, मुझे उससे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो बेचारी मेरे लिए इतनी परेशान थी, मुझे बेटर फील कराने के लिए क्या क्या नहीं कर रही थी, और मैं उसे बिना कुछ बताए चला आया। पता नहीं मेरे बारे में सोच सोच के कितनी परेशान होगी वो। I'm sorry सई, मैं तुम्हें इतनी तकलीफ दे रहा हूँ। आप आओगे ना तो आपसे पूछूंगी कि आपने मुझसे ऐसे बात क्यों की। मैं आपसे झगड़ा नहीं करना चाहती विराज सर, मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच ना सब ठीक हो जाए। लेकिन मैं आपसे गुस्सा हूँ, लेकिन मैं आपको मिस भी बहुत कर रही हूँ। मुझे आपकी याद आ रही है विराज सर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।